बिहार का देवघर माने जाने वाले मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में सावन के इस पावन महीने में कांवरियों के आने का सिलसिला जारी है। सोमवार को सावन की अंतिम सोमवारी है, ऐसे में भारी संख्या में कांवरिया बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचने वाले हैं। इस मौके पर 51 फीट लंबा कांवर लेकर चल रहे 251 भक्तों का जत्था आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पहलेजा घाट से हाजीपुर के रास्ते मुजफ्फरपुर तक एक अनोखा कांवर पहुंचा है। बाबा गरीबनाथ का स्वरूप और महाकालेश्वर के रूप में दिख रहा यह 51 फीट लंबा कांवर है। साथ ही इसे ले जाने के लिए 251 से भक्त साथ चल रहे हैं। कांवरियों का अलग रूप देखने को मिल रहा है। बता दें कि मुजफ्फरपुर में सावन की आखिरी सोमवारी के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहलेजा से जल लेकर बाबा गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। से हम बाबा के संरक्षण में मैं इसको मेहनत करता हूँ। बाबा का जो कृपा है वो मेरे ऊपर में सजात रहते हैं और बाबा गरीबनाथ का शिवलिंग आगे कांवर के आगे जताई हुई है। ऊपर में वहाँ का गुम्बज है, बाबा बैजनाथ का गुम्बज है, माता पार्वती का है, पीछे शिवलिंग है 11 फीट का जिसमें दो शिवलिंग उसमें है वो जताया जा रहा है। कांवर का वजन 5.5 क्विंटल से कम है। 21 आदमी उठाते हैं और बाकी लोग साथ में रहते हैं। हम लोग का जत्था है 200 से ऊपर है। मेरा नाम हुआ दिनेश बाबा महाकाल के नाम से। इनके कुंदन जी के सपना में बाबा आए जुड़े परवीन चचा ऐसे ऐसे सोच रखे हैं हमके लिए। चलिए अच्छा बात है, पहले से ही हम पर बाबा कृपा बना रखे हैं। सब पूजा पाठ में जो भी खोजते हैं हम रहते हैं। इनकी सोच हुई 11 साल पहले और जो है वो सोच को सब लोग जितने बच्चे लोग हैं, हम लोग तो एक गार्जियन रूपी है लेकिन कांवर उठाने वाले बच्चे लोग मुख्य है जिनके द्वारा हम लोग जो है बाबा जो है पार लगाते हैं। हम लोग पार लगते हैं पहले या से 4 दिन लग जाते हैं। मुजफ्फरपुर से तो रात को गुरुवार को निकले, शुक्रवार को सुबह जल धार करके हरियाणाथ दर्शन करते हुए सब लोग पैदल अभी खमतौल में रुक गए हैं। यहाँ पर शिव पार्वती समिति द्वारा भोजन की व्यवस्था की गई थी और विश्राम करने की व्यवस्था वो कर करके अब हम लोग मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। परवीन चौधरी श्री ओम प्रसाद निकल रही है। इस काम इस बार से कांवर में बहुत कुछ खास है। देवघर का गुम्बज, माता पार्वती का गुम्बज है, बाबा गरीबनाथ के गुम्बज है, नीचे शिवलिंग है, बाबा गरीबनाथ का आकार बनाया गया है, बाबा भोलेनाथ का भी शिवलिंग का बनाया गया है और साथ में एक झांकी है जो 11 फीट लंबा 11 फीट चौड़ा है।
बाबा बर्फानी का, एक साथ में नंदी बाबा भी हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं जी? हम लोग मुजफ्फरपुर से निकले थे, जो पलेजा से गंगा जल भर करके बाबा हरिहरनाथ का दर्शन करके जल अभिषेक कर करके अब हम लोग बाबा गरीबनाथ धाम जा रहे हैं। कुछ बांस जो है अलग टाइप का जी, ये बांस अलग प्रजाति का है, जो असम प्रजाति का है। यही नौतन गांव, मीनापुर नौतन गांव का एक व्यक्ति है जो ये लगाए हुए हैं। इस पेड़ का कांवर है, 51 फीट का कांवर है ये जी। जी 11 वर्षों से जी श्री ओम प्रदेश सामूहिक कामा यात्रा के संयोजक कुंदन कुमार महतो जी। इसी तरह हम लोग के बच्चे से हम लोग ये कांवर चढ़ा रहे हैं बहुत दिनों से। बस एक मन में था कि थोड़ा थोड़ा कुछ और अलग किया जाए, सामूहिक रूप से चले, जिसमें सभी भाई बंधु हमारे और भी जो भी श्रद्धालु शिव भक्त है एक साथ हम लोग गाते बजाते चले। कितने लोग हैं? 250 लोग हैं। क्या वजन कितना होगा इसका? 3 क्विंटल 5 क्विंटल के लमसम में है वजन जी। श्री ओम प्रदेश सामूहिक यात्रा के संयोजक कुंदन कुमार महतो, पंकज मार्केट, मुजफ्फरपुर। Yeah.